नमस्कार मत सहित मो पूर्व मतरे आज टॉपिक रही उज्ज्वला योजना 2.0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्ज्वला योजना 2.0 रो शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश रो एक स्थान में शुभारंभ हो जोठी यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे और हरदीप सिंह पुरी केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री मध्ये उपस्थित रहेंगे। वर्चुअल माध्यम से जोगदेवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक उद्घाटन करा शुभारंभ कर उज्ज्वला योजनार विशेष सफलता पर उज्ज्वला 2.0 योजनार शुभारंभ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2016 मे 1 रे शुभारंभ कर उज्ज्वला योजनार जहाँकि परवर्त समय केन्द्र सरकार एक फलप्रद योजना होजना मध्यम अनेक लोक गैस कनेक्ट कर तथ्य आम पाखे अच्छी 2014 पर्यंत आम देश में 19,06,000 लोकों पाखे उज्ज्वला योजना थी बेले ओडिशा कथा मुझे 2014 पर्यंत आम राज्य में 19,06,000 लोकों पाखे उज्ज्वला योजना द्वारा गैस कनेक्शन थी बेले 2014 पर जो उज्ज्वला योजना एंट्री करागला 2021 पर्यंत 90,30,000 लोकों पाखे गैस कनेक्शन पहुंची आम राज्य में 47,39,000 कनेक्शन ओडिशा रे केवल उज्ज्वला योजना माध्यम रे 2016 रु जो योजना आरंभ करनेक ग्रामीण महिला यह सुरक्षा प्रदान कर ग्रामीण महिला और शिशु सुरक्षापी केन्द्र सरकार 2016 उज्ज्वला योजनार शुभारंभ करते जोभली भाव असुरक्षित भाव रोसे करुते ग्रामीण महिला मैंने तहार शिकार होते ग्रामीण महिला तहत शिशु मैंने जक्षमा रोग से शिकार होते टीवी रोग से शिकार होते दूर करने केन्द्र सरकार ये महत्वाकांक्षी योजनार शुभारंभ करते जार द्वितीय पर्याय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ कर यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरदीप सिंह पुरी जे कि केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री से उपस्थित रहेंगे। गगन विश्वाल नुआदिल्ली प्रतिनिधि अच्छा सीधास्त नहीं चलु अधिक सूचना गगन गगन प्रथम पर्यायर सफलता पर कहुपे द्वितीय पर्याय ठीक से ही सफलता आनीदेव जो भाई प्रथम पर्यायर अनेक लोक कनेक्ट करागला अनेक घर पहुँचला उज्ज्वला योजन अनेक गैस पहुँचला द्वितीय पर्याय ठीक से ही लक्षण आरंभ कर देख निश्चित भाव प्रथम जिते उज्ज्वला प्रथम जिते आसला से निश्चित भाव अपोजिशन हूँ अनेक आंचलिक दल हूँ यह समालोचना करते कौटना कौटी रिफिलिंग को लेकिन अनेक बाद बद पड़ा कि परवर्त पर्याय देखाला उज्ज्वला लाइफलाइन बनला अनेक जगार जो रही खासकर जो ट्राइबाल बेल्ट कथा कहतु जो गरीब लोकों कथा कहतु एवं किध्यम धरण व्यक्ति कथा कहतु सब्सीडी की नहीं प्रधानमंत्री आह्वान कले भारतवर्षर अनेक धनी हूँ बा जो मर कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन ठीक अच्छी से निजर सब्सिडी को छाड़देले गोटे भारत वर्ष गोटे वैप्लविक परिवर्तन आसी आम कहींपर ये 4 वर्ष भितर 2016 जितेबाला यार प्रथम शुभारंभ करते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विभाग दायित्व नहीं थे और जोभली ढंग से 3 वर्ष भितर जो टार्गेट था 5 कोटी महिला पाखे ये आपको नहीं पहुँचा कितु से टार्गेट अचीव करते मात्र 2 वर्ष परवर्त पर्यायर ताक एक्सटेड करागला और सी 5 कोटीटा 8 कोटी लोकों पाखे पहुँचला और देखिए पार्लियामेंट ठारु आरंभ करी ग्रामांचल पर्यंत सबुठी उज्ज्वला चर्चा होता निर्मला सीतारामन हूँ वेंकैया नायडु हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ अन्य विभाग मंत्री मैंने हूँ समस्त हाथ में उज्ज्वला को बंटाई उज्ज्वलार बंटन कराई से केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और आज से विभाग दायित्व हरदीप सिंह पुरी हाथ रही निश्चित भाव आशा करवा प्रधानमंत्री जो लक्ष्य रखी 2.0 एत यार शुभारंभ कराई एवं अनेक लोक रही जो माखे हूं उज्ज्वला पहुंची ना सरकार पाखे डाटा आसी सरकार को इनपुट मिली खासकर जो राज्यर तथ्य अनुसार बर्तमान बंटन प्रक्रिया आरंभ हो ये उत्तर प्रदेश आरंभ हो योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में सामिल होती तेणु अंपटे देखिए आगामी दिन में उत्तर प्रदेश निर्वाचन रही विधानसभा निर्वाचन पूर्व ये उज्ज्वला जो 2.0 बर्तमान इनागुरेट करश्चित भाव यार गोटे बड़ फायदा आगामी दिन में योगी आदित्यनाथ को देव और लगातार भाव देखिए मसे भितर जो भाव गोटेपर गोटे शिलान्यास कर प्रोजेक्ट प्रथम काशी विश्वनाथ प्रधानमंत्री गस्त कर तापरे अमित शाह लखनऊ गस्त कले उज्ज्वला को उत्तर प्रदेश में ही 2.0 इनागुरेट कर निश्चित भाव यार जी कह बड़ फायदा उत्तर प्रदेश महिला मान को मिले और खासकर ये केवल उत्तर प्रदेश महिला को नुहे परवर्त पर्यायर सबू राज्यर महिला मानक जी प्रथम जिते उज्ज्वला स्कीम आसाला सेवल जी कहे जो अनुन्नत श्रेणी बीपीएल जो श्रेणीर जो मैंने थे से ही बिलो पॉवर्टी लाइन महिला मानक दिखाला कितु परवर्त पर्यायर जड़े पर जड़े गोषी एमिल
से चा तोलाळी होंतु आर्थिक अनग्रसर श्रेणी होंतु एससी एसटी वर्गर लोक होंतु आर्थिक अनग्रसर श्रेणी होंतु सब श्रेणी को ध्यान रखिकी परवर्ती पर्यायर अनेक चेंजेस कराई निश्चित भाव ये यदि केवल उज्ज्वला पहुँचवा द्वारा लोक मैंने जो अनेक गुड़े स्किन डिजीज हो श्वास रोग हो से जो अफेक्टेड होते से निस्तार मिली तार परसेंटेज कमी सीधा सड़क आईसीएमआर हो रणदीप गुलेरिया जी एम्स निर्देशक रही से विभिन्न समय गणमाध्यम को प्रतिक्रिया आउ गोटे बड़ कथा अपूर्व एड करने चाहिए उज्ज्वला आसवा फल देखिए गच्छ काटा परिवेश गोटे बड़ सफलता मिली जो ग्रामांचल हूँ व ट्राइबल बेल्ट हूँ जो मैंने अनुन्नत थे गच्छ काटिकी जाली दौले तेणु ताक परिमाण ह्रास होनेक रिपोर्ट प्रकाश पाई विभिन्न आंतर्जातिक फोरम जे एत लक्ष हेक्टर जमी बंचीगला उज्ज्वला तेणु निश्चित भाव ये गोटे बड़ योजना बड़ आशा नहीं कि प्रधानमंत्री यार उन्मोचन करते 1.0 रही आशा हुए तो नहीं कि 2.0 उन्मोचन कराऊ कि या को लेकिन राजनीतिक बयानबाजी आरंभ हो कांग्रेस हूँ बासपा हूँ समाजवादी पार्टी हूँ से प्रतिक्रिया रखिंट जी गोटे राजनीतिक माइलेज नापी और आगामी दिन में जेहतु उत्तर प्रदेश इलेक्शन रही से हम तो सरकार या इनॉग्रेट कर अपूर्व ओके गगन यह जानवाक चाहे जो भाव प्रथम पर्यायर जो उज्ज्वला योजना आरंभ करागला समग्र देश में शुभारंभ कर परवर्त समय आप कहते हैं जक्षमा रोग बचापी महिला मानक खासकर स्वास्थ्य रोग सुरक्षा देवाई और शिशु मानक सामान रोग सुरक्षा देवाई योजना शुभारंभ कर तत्सत कि भाव आउ पारंपरिक जाणी जाणी व्यवहार नक केवल गैस योजना मध्यम अनेक लोक पहुँचा जा गैस कनेक्शन दिज्व ओडिशा जदि आम देखा जे विगत उज्ज्वला योजना आरंभ होगा पर 90,30,000 गैस कनेक्शन हो तो यह दृष्टि रखी कहुपे 2.0 योजना जहाँकि उज्ज्वलार द्वितीय पर्याय आरंभ कर उत्तर प्रदेश में परवर्त मुहूर्त यह ओडावासी लाभदायक हो तहत ओडा सहित अन्न्य राज्य मान प्रति फलप्रद हो निश्चित भाव अपूर्व जितेबाला उज्ज्वला स्कीम रो आरंभ कराई से भारत डाटा देखिए बहुत कम थिला 30% महिला जो घरे गैस कनेक्शन हो पार ना ओडिशा परिप्रेक्षी आप जो भाव कहले कि भाव गैस कनेक्शन वृद्धि केवल ओडिशा नुहे अनेक राज्य गैस जो जोजग हो गैस जो वितरण हो शीतलता देखा जाता कि परवर्त पर्याय देखाला आगे देखिए 5 वर्ष पूर्वर कथ जी आप देखिए खास करी 2010-2008 से जो ग्रामांचल लोक मैंने रोते निजे साइकल हो बाइक हो निजे जाऊे गैस आने बुकिंग करने समस्या रोला परवर्त पर्याय अनेक गुड़े चेंजेस आमें कहींपर ऑनलाइन बुकिंग बर्तमान होक मैंने जावाक पड़ूनी सेंटर को आने बर्तमान लोक मान घरे सीधा सड़क पहुँचुची गैस कनेक्शन जो प्रतिनिधि मान रही निज घर नहीं कि ग्रामांचल हो टाउन हो टाउन जो फैसिलिटी था बर्तमान ग्रामांचल मिली आउ गोटे सरकार सब बड़ चैलेंज थिला जे रिफिलिंग जो कथा को विरोधी दल माने अनेक थर समालोचना कर सरकार को रिफिलिंग हो ना कि परवर्त पर्याय सरकार रिफिलिंग जोर देते रिफिलिंग किभली भाव कहीं उज्ज्वला जो फ्री गैस कनेक्शन मिलता से नहीं जाते कि भरवापी ओके बिल्कुल भाव कि भाव लोक अधिक रू अधिक फायदा पाए केन्द्र सरकार लक्ष्य आम सहित अक्षय साहू अच्छा वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त साहू आपको स्वागत करुच्छे आलोचना को कहुए पारे जे उज्ज्वला योजना प्रथम पर्यायर जो भाई सफलता पाइला जो भाई सफल है द्वितीय पर्यायर मध्य से सफलता आनीदेव केन्द्र सरकार जो प्रमुख लक्ष्य रही देशर महिला मानू सुरक्षित रखा शिशु मानू विभिन्न रोग वंचित करवा पुणी थे योजना मध्यम लोक फायदा आनीदेव फलप्रद हो लोकों पर बिल्कुल उज्ज्वला योजना जो प्रथम दफा रे जो हमें देखले 8 कोटी आपनकर हिताधिकारी पाइले तो सी गोटे आम कही पार जे समस्त जो उपभोक्ता मान अच्छा से मैंने से कौन रोसे कले न कले से अलग कथा तार व्यवहार कले गैस आपनकर रंधन प्रक्रिया व्यवहार कले न कले बड़ कथा ना बड़ कथा हूँ जो क्लीन एनर्जी के तांकर जो एक्सेस है आप जो गैस टा हूँ वन ऑफ द क्लीन एनर्जी सोर्सेस बर्तमान जो क्लीन एनर्जी स्वच्छ जो रंधन गैस पाइले द्वारा से मानकर जो हेल्थ इंडेक्स रे काफी इंप्रूव होती अर्थात अतीत जो आप चूला जालू थे कि
ପତ୍ର କାଠ ଚୁଲାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, କୋଇଲାରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ପତ୍ର ଜାଳିକି ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 2.0 ରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ଉଜ୍ଜଳାର, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर अपना मार्गदर्शन एक बार फिर पूरे देश और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश वासियों को प्रदान करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री रामेश्वर तेली जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी गण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहां पर उपस्थित लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, इस जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, माननीय सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, मान्य विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी, ब्रजभूषण राजपूत जी, सचिव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, IOCL, BPCL, SPCL के चेयरमैन तथा अन्य सभी अधिकारीगण, मैं इस वीर भूमि महोबा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती को चुना है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 6 वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया था। पूरे देश के अंदर 8 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और सिलेंडर उपलब्ध करवाने में इस योजना ने जहां ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया, वहीं न केवल इसके माध्यम से पर्यावरण की रक्षा अपितु नारी गरिमा और सम्मान की रक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी इसके माध्यम से हुई। अकेले उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ परिवारों को पहले चरण में इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ और कोरोना कालखंड में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने तक इन सभी लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए और इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर 1,817,28,00,000 रुपए कोरोना कालखंड में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने में भी उन सभी लाभार्थियों को देने का कार्य किया गया। मुझे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आप उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ कर रहे हैं, ये सचमुच नारी गरिमा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के साथ आपके द्वारा प्रदान किया गया एक उपहार है और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है
कि सितंबर 2019 के 7 माह पूर्व ही 8 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका था और उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हो गए थे। उससे पहले 2014 के पहले रसोई गैस के कनेक्शन के लिए और रसोई गैस के भरे जिनके पास कनेक्शन था उन्हें सिलेंडर उपलब्ध हो इसके बारे में यह एक दिवा स्वप्न जैसा बन गया था। जिनके पास कनेक्शन थे उन्हें समय पर रसोई गैस के एलपीजी सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पाते थे और जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं थे वे लोग इस बात के लिए तरसते थे कि हमें भी रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन मिल जाते तो हम भी जो पॉल्यूशन जो प्रदूषण लकड़ी से कोयला से केरोसिन से होता है उससे बच पाएंगे और अपने उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर पाएंगे। लेकिन यह आपकी दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप आपकी अनुकंपा से आज देश के अंदर सफलीभूत हुआ 50 करोड़ लोग इस योजना से सफलतापूर्वक अपने जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण का यह अद्भुत कार्य मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आपके मार्गदर्शन में नारी गरिमा और सुरक्षा के लिए विगत 4 वर्ष के दौरान अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की सफलता के साथ ही 2.61 करोड़ परिवारों को एक एक परिवार में इज्जत घर के निर्माण की कार्रवाई भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हुई। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1,52,000 से अधिक कन्याओं की जो अपनी गरीबी के कारण बालिकाओं की शादी नहीं कर पाते थे सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से शासन और जन सहयोग से उन सभी कार्यक्रमों को संपन्न करने का कार्य भी किया गया। बालिका के जन्म लेने से लेकर के तो आप सीधा चित्र देखुंत उत्तर प्रदेश पहुंचुची उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा उपस्थित अच्छा हरदीप सिंह पुरी केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री उपस्थित अच्छा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भर्चुआल मध्यम कार्यक्रम जोग देते अक्षय साहु आम सहित लगातार अच्छा आलोचना करने सुक्त साहू प्रत्येक योजनार शुभारंभ पूर्व ताकुने राजनीति आरंभ हुए ठीक 2.0 उज्ज्वला 2.0 योजना पूर्व विरोधी सामान अभोग आनी कांग्रेस कहतु बसपा कहतु सपा कहतु समाजवादी पार्टी कहतु समस्त अभोग जेहेतु उत्तर प्रदेश में आगक विधानसभा निर्वाचन आसूच मात्र किस पर तेणु बीजेपी एटी उज्ज्वला कार्ड खेलुची गरीबों को निज आड़क टाणी दलित निज आड़क टाणी बीजेपी उज्ज्वला कार्ड खेलुची यही अभोग आणुंट समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी भली विरोधी माने ओके सुक्त साहु टिके अनम्यूट करंतु तो हेलो आज्ञा कौन सर प्रत्येक दल से माने तांकर निर्वाचन पूर्व विभिन्न प्रकार से माने व्यवस्था ग्रहण करितांती कि भली आपनकर लोक मान प्रभावित करने जो उज्ज्वला योजना क्या कहे उज्ज्वला 2.0 जो गोटे बर्तमान हाँ निर्वाचन अच्छे सत कथा कि अस्वीकार करोगी आदित्यनाथ कहते हैं महिला मानी गारिमार सहित बचाई दि जा पार से दिग्वे उज्ज्वला योजना गोटे एपर्तंत 1.0 बे भल भाव काम करके आसी जो 2.0 आसी अधिक परिमाण में जो मैंने रही गरीब महिला मैंने अच्छा कनेक्शन दिया से गोटे मर्यादा बंत गारिमापूर्ण जीवन जी पारे जमती से कहते आम जो क्या प्रथम आलोचना करजाक्टली योगी आदित्यनाथ से कथा कहते आर प्राइम मोटिव हूँ आर मुख्य उद्देश्य हूँ जे गोटे सुस्थ एनर्जी मध्यम कि महिला मानक स्वास्थ्य को किभ सुरक्षित रखे जो माँ टी सुरक्षित रही
ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୂଆଁ ଆଉ ଧୂପରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାପରୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ରକ୍ଷା କରିବ ତାର ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବଢିବ, ତାର ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବଢିବ ସିଏ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ ହେଇପାରିବ ବା ତା ଯୋଉ ସେ ବାବଦରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେଇଟା ରହିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ କିରୋସିନ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲକଡ଼ି ହଉ କାଠ କୁଟା ହଉ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି ସିଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଯୋଉ ଏମିଟ୍ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରୋଗର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ମା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନାଗରିକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ସେ ବାବଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଢାଇବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଦରକାର ପଡେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇକି ରହିଛି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଏମିତି ବିରୋଧୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କରିବା କଥା କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେକୌଣସି ଦଳ ହଉ ନା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ରାଜନୀତି ପୁରେଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଇଟା କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ? ଯିଏ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରଟେ ପାଇଛି ସେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ସେ ତାର ମା ହଉ ଭଉଣୀ ହଉ କି ଯିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହଉଥିଲେ ଧୂଆଁକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତାପକୁ ସେତିକି ତ ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଘରର ପରିବେଶ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରୁଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଯେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଯେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସିନା ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ ଫିଲିଂ ମାନେ ରିଫିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବିଜେପି ତରଫରୁ। ଏଇନେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ପ୍ରକୃତରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପଛରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, କେତେ ଦମ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ବିରୋଧୀମାନେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ନା ବିରୋଧ ପଛରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଉଜ୍ଜଳା 2.0 ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏନେଇ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବସପା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଭଳି ଦଳମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେପି ୟୁପିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳା କାର୍ଡ ଖେଳୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯୋଗ ପଛରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଗକୁ ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବଂ 2017 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପଛରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଦମ ଅଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜନୀତିଟା ତା ବାଟରେ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗର ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟତା ଦେଖିବେ ସତ୍ୟତା ସେତେ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ କି ତାର ଅଭିଯୋଗ ପଛରେ ଯୋଉ ଭଳି ରାଜନୈତିକ ଦୂରଭିସନ୍ଧି ରହୁଛି ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛି, ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁଛି। କଥାଟି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବସପା ହଉ ବା ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ହଉ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଉଠୁ ତିଆରି ହେଇକିରି ଯାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ହାତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର କାଂଶୀରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇକି ଯାଉଥିଲା, ବଜାର ଘାଟ ସବୁଠି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବସା ଯାଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅନେକ ପଇସା। ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଗୁଡାକ ମାନେ ସବୁ ଦଳ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଁ ଭାଜପା ତାର ପାଇପାରେ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ କଣ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନିମମ ନେସେସିଟି, ଏଇଟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା। ସିଏ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ, ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ, ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ, ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ, ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟାକୁ ତ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର୍ସ ଆସିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳାମାନେ ଏଇଭଳି କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁବିଧା ହେବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧ କରିବା ଏକ ବାଚାଳୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ଏ ନେଇ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଉଜ୍ଜଳା 2.0 ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଉଜ୍ଜଳା 1.0 ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଜିରୋ ଭଳି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।
एवं महिला एवं शिशु को जो भाव सुरक्षित दिया आसूम ग्रीन एनर्जी व्यवहार करा गुरुत्व दिया बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय साहु आम सहित अधिक आलोचना करुवर एवं गगन विश्वाल नुआ दिल्ली प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होते अधिक सूचना देते समय सरी मत को यही रखु नमस्कार।